इंजीनियर्स 300 प्रतिशत। तो आज आपके लाए हैं बोल्ट मीटर, लेकिन ये कोई आम बोल्ट मीटर नहीं है। इसको आप अपने चश्मा पे यूज करके आसानी से आप किसी भी चीज को आप माप सकते हैं और आपके आंखों के सामने दिखाई देगा, जो कि जो बोल्ट आएगा वही बोल्ट इसमें दिखाई देगा। तो ये सर्किट करीबन 0 वोल्ट से लेके आपको यहाँ पे 12 वोल्ट तक आप इसको माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन एक डिवाइस है जो अपनी आंखों में दिखाई देगा। तो अभी चलिए ये जो सर्किट है इसको हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे, कुछ कंपोनेंट की मदद से इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। ओलेड डिस्प्ले का ग्राउंड को हम लोग डायरेक्ट ग्राउंड पे कनेक्शन कर देंगे, जो कि आर्डिनो के ग्राउंड होगा, और बीसीसी को हम लोग डायरेक्ट आर्डिनो के 5 वोल्ट पे हम लोग कनेक्शन कर देंगे। तो एससी को हम लोग A5 पे कनेक्ट करेंगे, एसडीए जो के है वो हम लोग A4 पे कनेक्ट करेंगे। तो इनपुट का कनेक्शन जो है वो अभी देखिए, इसमें 2 रेजिस्टेंस हम लगाया है जो कि 8.2 किलो ओम्स का होगा और एक होगा 33 किलो ओम्स का होगा। तो जो 33 किलो ओम्स का होगा वो हम लोग पॉजिटिव का इनपुट लेंगे, 8.2 किलो ओम्स का वो हम लोग नेगेटिव का इनपुट लेंगे, और दूसरे साइड का जो दोनों वायर है उसको हम लोग डायरेक्ट एक साथ करके कनेक्शन कर देंगे, करके मीडियल से हम लोग ले लेंगे A1 पे कनेक्शन दे देंगे। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव इस पर आएगा तो आने के बाद ये वोल्टेज मेजरमेंट करेगा। लेकिन और एक बात है, इसका जो ग्राउंड है जो नेगेटिव है, नेगेटिव से और एक कनेक्शन हम लोग डायरेक्ट आर्डिनो के ग्राउंड पे कनेक्शन देना होगा, क्योंकि ग्राउंड हमेशा एक साथ रहता है, ठीक है। तो ग्राउंड को कनेक्शन देने से ये काम करेगा। तो अभी चलिए ये सर्किट प्रैक्टिकली किस प्रकार से बनाते हैं वो देखते हैं। इस वीडियो का सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स से खरीदा हुआ है, बहुत ही अच्छा और सस्ता कंपनी है। अगर आप चाहते हैं वहां पे जाके बहुत ही कम रेट पे खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएगा।
तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कोई डिस्प्ले लगाया नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो कि आप ग्लास लगा सकते हैं, जो कि अगर थोड़ा ब्लर ग्लास होगा तो बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा। तो इसी ग्लास को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं रिफ्लेक्ट को यूज करके। तो इसके अंदर मैंने डिस्प्ले लगाया है जो कि ओलेड डिस्प्ले है, इसको लगाया है, और कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम लोग इस पर जो कि मिरर इसमें डालेंगे और इसमें से दिखाई देगा। तो लेकिन ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं इसको ऐसे फिट नहीं कर सकते, आप इसको चश्मा पे यूज करके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके पीछे से वायर निकला है, आप देख सकते हैं दो वायर है जो कि बोल्ट मापने के लिए इसको लगाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको चश्मा पे लगा के हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी इसको चश्मा पे लगा के टेस्ट करते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से हमने चश्मा पे लगा के इसको यूज किया है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले पे जो ब्लार आ रहा है वो आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैं इसको सामने से देखूंगा तो मुझे क्लियर दिखाई देगा, आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो हमारा जो लेंस है वो सामने से देखने पर ये बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा। अगर आपको इसका डिस्टेंस बढ़ाना और घटाना है तो इसके जो सामने आप देख सकते हैं एक जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसको छोटा और या मोटा कर सकते हैं, जो कि पतला और मोटा करके आप इसको आसानी से इस पर रिफ्लेक्ट कितना साइज का होगा वो कर सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे एक वोल्ट मीटर हम लोग बना सकते हैं, वो भी हम लोगों को स्मार्ट वोल्ट मीटर इसको बोल सकते हैं। तो इस वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।